पंजाब बार काउंसिल ये डिसीजन ले चुकी है कि इसे चैलेंज किया जाएगा और रिटें इस पर और भी होंगी, मेरी भी रिटें इंशाल्लाह कल या परसों लग जाएगी इन दोनों सब्जेक्ट्स में। तो जो नादा से रिलेटेड जो एक्ट आया है तो वो ये नहीं है कि वो एक ऑफिस के तौर पे होगा, एक नई कोर्ट बनाई जा रही है। अगर आप उस एक्ट को देखें, उस ऑर्डिनेंस को देखें, जो कि 3 माह उसकी मुदत होती है आइन के आर्टिकल 128 के तहत गवर्नर उसे प्रोमोगेट कर सकता है, तो वो किया गया है। तो 13 सेक्शन है उस लेटर ऑफ सक्सेशन, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सक्सेशन सक्सेसर सर्टिफिकेट ऑर्डिनेंस 2021। अच्छा, उसमें ये है कि अप्लाई तो वहाँ पे करना होगा और फीस जैसे शाह साहब ने बयान करवाया कि 10,000 तक, 1,00,000 तक का चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तो उसके रेफरेंस से 20,000 ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसेस आएंगे। और दूसरा ये है कि अंग्रेज़ इंग्लिश और उर्दू दोनों अखबार में पब्लिकेशन लाजमी होगी। ये जैसा आप सब बयान कर रहे हैं, इसकी इंटेंशन या बैड इंटेंशन वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि किसी को फैसिलिटेट नहीं किया गया, कोई अकोमोडेट नहीं किया गया, बल्कि मामला को और ज़्यादा उलझाया गया है। आजकल जबकि सक्सेशन सर्टिफिकेट विद इन 15 डेज इशू हो जाता है, पहले होता था 2-3 साल लगते थे। तो अब वहाँ पर ले जाना, वहाँ पर एक नई कोर्ट बनेगी, वो नया यूनिट, नया काउंटर बनाएंगे, नई एम्प्लॉयमेंट करेंगे और उसके मुताबिक चलेंगे। और अच्छा, उन्हें कोर्ट के इख्तियार विदाउट एनी अमेंडमेंट दे दिए गए हैं कि वो ये डिसाइड करेंगे कि अगर कोई ऐसा इशू है जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेट्स सपोज कि अगर FRC में किसी की रजिस्ट्रेशन होती नहीं है, तो वो लिखेंगे कि जाएं आप सिविल कोर्ट में, यानी डिक्लेरेशन सीख करके वहां पे आए। अच्छा, बहुत मामला जो अनफुलफिल्ड रह जाएंगे उसके लिए भी आपको दोबारा कोर्ट में ही आना है। तो ये चले, एक तो चले हो गया कि बैड इंटेंशन या नाअहली है या जिसने भी इसे अप्रूव किया है, पंजाब बार काउंसिल के पास कापी चले, ऑर्डिनेंस की तो नहीं आ गई। बेहतर होता कि ये एक्ट बनता, पंजाब असम्बली में सारी डिस्कशन होगी, उसमें पंजाब बार काउंसिल के नुमाइंदान भी शिरकत कर सकते हैं, पार्लियामेंट में भी कर सकते हैं, वहाँ जाके सारी अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं। अच्छा, ये तो चले एक हो गया इसके ऐसे एस्पेक्ट्स, मैं थोड़ा थोड़ा टच करके चलूँगा फिर दोबारा आऊँगा वापस। इस्लामाबाद की हद तक F8 में कोर्ट बनाई गई है, तो तकरीबन 10 साल पहले जब इस्टेब्लिश हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग एक्चुअली इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार की है। तो इस्लामाबाद की बिल्डिंग अब कंप्लीट हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल अपोजिट, नैब ऑफिस के साथ बिल्डिंग उनकी कंप्लीट है, वो वहाँ पे शिफ्ट कर जाना चाहिए और ये बिल्डिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, ये इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट को दे देनी चाहिए। लेकिन इसमें मसला ये है कि अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाद दो गए होंगे तो वो भी उसकी इतनी स्पेस नहीं है कि वहाँ पर इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार आ जाए। तो वहाँ भी जाहिर है साइडों पर जो कमर्शल प्लाजा मार्केटें हैं वहाँ पर बुकला के ऑफिस बनेंगे। तो तीसरी सुजेशन थी ये किसी ऐसी जगह शिफ्ट की जाए, बाकायदा कम्प्लेक्स बनाया जाए। तो ये इस्लामाबाद का इशू आप दोनों तरह से देखें कि जो अब उन्होंने ऑफिस बनाए हैं, चले फुटबॉल ग्राउंड उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली, F8 वर्कर्स मार्केट है वहाँ भी ऑक्यूपाई कर ली, कोड़ों की दुकान है, साथ अदालत है, तो अदालत के LMI के साथ वकील साहब का ऑफिस है, वो भी बड़ी हाइट ऑफ मिसमैनेजमेंट थी। तो पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर से अतर मिनल्ला साहब की मुलाकात हुई बाकायदा कि इसे स्ट्रीमलाइन करते हैं, उन्होंने कहा 3-4 चैम्बर जो बने हैं बिल्कुल रोड के दूसरी तरफ अगर आप देखें, ये कम अज़ कम नहीं होने चाहिए, आपको अपना प्रॉब्लम होगा पार्किंग का। तो उन्होंने नोटिस दिया, वकला का मौक़ है कि 2-4 चैम्बर बनाने का वेद ऐसा नहीं था, वो सारी साइड खाली करनी थी, अगले दिन इंतजामिया उन्होंने सारी साइड खाली कर दी। अच्छा, ये सारी बातें बैठ के बड़े अच्छे तरीके से हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के जी ठीक है, आप अपनी बिल्डिंग में जाएं, हमें प्रॉपर कम्प्लेक्स दें, तो वरना ये तो वहाँ पे जो मशरूमिंग है किसी को भी पसंद नहीं है, कोई बंदा जाए तो बंदा कहते हैं व्हाट द हेल इज इट, एनीवे ये बैठ कर हल हो सकती हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी गुलदार साहब या उनके बैंक ने बड़ा फैसला दिया, मैं उसे अच्छा कहूँगा कि उन्होंने ये कहा कि ये इलीगल ऑक्यूपेशन है, या अगर इसे परमानेंस दे दी जाए, आप कह रहे हैं कि परमानेंट रहने दिया जाए या जो भी, ये नहीं किया जा सकता क्योंकि जगह प्राइवेट लोगों की भी है। चले वो इशू तो अब सॉल्व हो रहा है और हो जाएगा, कम्प्लेक्स की उन्हें जगह दी जाएगी या वो इस्लामाबाद की प्रेजेंट हाई कोर्ट की बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे विद इन फ्यू डेज। अच्छा, बाकी जो चल रहा था कि CPC का, ये तो इशू बड़े से चल रहा है कि फोरम कम किए जाए अपील के, सुप्रीम कोर्ट ऐसा एप्टेड फोरम नहीं है, वो लीव टू अपील है कि वो फंडामेंटल राइट के रेफरेंस से अपील एक्सेप्ट करती है, लीव टू अपील ग्रांट करती है, लेकिन वो बाकायदा नॉट ओनली कि वो एप्टेड फोरम बन गया बल्कि रिव्यू भी, हर अपील के बाद रिव्यू भी किया जाता है। आप देखें 5 फोरम हैं, इनको थोड़ा सा कम करना तो जस्टिफाइड था, बेहतर होता कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ख़त्म करने के हाई कोर्ट को ऐसा किया जाता कि या हाई कोर्ट ख़त्म कर दी जाती, लीव टू अपील हाई कोर्ट के हद तक होती, सुप्रीम कोर्ट ये मामला जाता ही ना, मुख्तलिफ किया जा सकता है। अच्छा,
इफ यू रिमेंबर कि 3 साल पहले मंसूर अली शाह एट दैट टाइम जस्टिस साहब, उनकी अक्ल जो भी है, जो भी जिस तरह वो सोचते हैं, तो मैं उसे कभी भी एंडोर्स नहीं करता, उन्होंने ये एक शाही सा फरमान जारी किया कि बहुत से केसेस वापस भिजवा दिए, पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन के 5 करोड़ से जो अबव हैं वो या लेस देन है वो सारे नीचे आ गए, वो सारे नीचे आ गए। क्लाइंट्स को भी बड़ा मसला पड़ा और बुकला के लिए भी, तो यहाँ दोबारा वापस आए, बुकला को फीसें दोबारा देनी पड़ी, फिर हाईकोर्ट में गए और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गए, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उनका रिव्यू पिटिशन भी फाइल की गई। मेरा इन बातों का एक तो ये है कि कुछ ऐसी बातें सामने लाई जाएँ जो कि डिस्कस नहीं हुई, और ये जो आर्डिनेंस है ये पंजाब की हद तक है, सिंध ने इसे एंडोर्स किया है, उन्होंने भी इसे अडॉप्ट कर लिया है। इस्लामाबाद से पहले शुरू हुआ, यानी 3 जगह पे है, KPK, बलोचिस्तान, GB में ये नहीं है, ये दोनों नहीं है, 96 वाला CPC वाला भी नहीं है और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेस सर्टिफिकेट वाला भी नहीं है। तो ये होना तो ये चाहिए था, पंजाब बार को उसने डिसाइड किया, मैं तो कल ही डेट इंशाल्लाह करके आई एम क्वाइट होपफुल के स्टे भी हो जाएगा। तो पंजाब बार काउंसिल ने इतनी बड़ी मीटिंग की है तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, वैसे ही मामला ऐसा है ही नहीं कि इतना प्रोलॉन्ग किया जाए। डिसाइड किया यार आपके लिए क्या मसला है, फौरन ड्राफ्ट करें जाके, तो आप 5 बजे जाके स्टे ले लें, स्टे तो होना ही है, इसमें रिस्ट्रेंट होकर नहीं, अब कितनी ही रिटें होंगी, मेरी कल फाइल होगी, कल माइट भी के उस पहले उनसे स्टे हो जाए। तो ये तीनों इश्यूज को थोड़ा सा मैंने डीपली किया है, तो बाकी बार की यूनिटी तो है, चलती रहती है, बार ने हमेशा साबित कदम रही है इन इश्यूज को, लेकिन मेरा या तमाम दोस्तों की वैसे कभी डिस्कस हो कि यार ऐसी चीज़ें होती क्यों हैं, स्ट्राइक पर लग जाते हैं, सड़कों में जाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा होता ही क्यों है, जबकि हमारी बॉडीज हैं पंजाब बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, ये सारी किस लिए हैं, शुरू में इसे क्यों इसे टैकल नहीं कर पाती, कि हम इस तरह जैसे फरियाद करते हैं जाके। तो एनीवे एक तो ये चीज़ें मैंने कुछ लीगल एस्पेक्ट से जो कि सामने नहीं आए थे, तो मुझे सब लोगों की आशीर्वाद चाहिए होगी, अगर डिस्ट्रिक्ट बार के है तो उनकी तरफ से एडिट की जा सकती है, बड़ी कंप्रिहेंसिव होगी इंशाल्लाह, और रिस्ट्रेंट ऑर्डर दोनों में हो जाएगा। तो अगर सदर साहब आगे सेंड देंगे तो मैं कल या चले एक दो दिन में डिले कर दूंगा, सैटरडे को फाइल हो जाएगी, मंडे को लग जाएगी। तो बाकी जो इस सिलसिले में कुछ ऐसी लीगल बातें, एक तो मैंने बता दिया कि नादरा के रेफरेंस से, अब वेरी स्ट्रेंज के नादरा का ये सारा हुआ क्यों है, जो पीछे की बातें हम सब लायर्स को पता होना चाहिए कि नादरा नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी गवर्नमेंट फंडेड होती है, कुछ ये खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादातर अर्न यही करते हैं, गवर्नमेंट को बड़ा कम पैसा मिलता है। अब गवर्नमेंट के साथ इनका एग्रीमेंट क्या हुआ है कि आप देखें, ऑर्डिनेंस बड़ा मैं शेमफुल कहूँगा कि किसने एसेंट दी है उस ऑर्डिनेंस की कि जितने चाहे अखराजात नादरा ले लें। अब उन्होंने 10,000 ये किए हैं, इंग्लिश उर्दू अखबार का मस्त कर दिया है, सारे इख्तियार जो सक्सेशन एक्ट है 1925 अभी तक उसमें अमेंडमेंट नहीं आई कि क्या इसमें आई है कि 1925 इज नो मोर, कि वो नहीं करेगा, लेकिन असल बेसिक डॉक्यूमेंट तो वो है, पहले वहां पे अमेंडमेंट करेंगे और उसकी अमेंडमेंट किसी आर्डिनेंस से नहीं हो सकती, उसके लिए बाकायदा एक्ट बनेगा पंजाब असम्बली में या मुतलका असम्बली या अगर इस्लामाबाद की है तो पार्लियामेंट में डिस्कस होगा। तो उन्होंने एक अजीब सा रास्ता निकाला है, तो आपको पता है मैं क्यों कह रहा हूँ बड़े स्टेंट ऑर्डर फौरन हो जाएगा कि ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हाई कोर्ट का जज जो ज़्यादातर नालायक नाहल और बदनीयत होते हैं, कोई थोड़ा सा रीजनेबल जज हुआ, इबादुल मान लोधी साहब जैसा जज हुआ या दूसरे, तो वो फौरन यानी मेरी बात करने से पहले ये कह के कि आप खामोश नहीं, क्या आप नहीं समझते कि मैं भी कुछ जानता हूँ। अच्छा, मेरी जो एक रिट थी जो पेपर्स का ऑर्डर हुआ था, एक पेपर दो पेपर इंग्लिश और फिजिक्स के दो बार दोबारा लेने का, जबकि दो सेंटर्स में ऐसा हुआ था जहां पे कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन आए थे कि पेपर लीक हुआ है, दो सेंटर्स में लीक हुआ था, तो सेंटर्स होते हैं तकरीबन हज़ारों की तादाद में पिंडी डिवीजन के, उन्होंने सबका पेपर दोबारा लेने का ऑर्डर दिया, तो लकीली मेरी रिट जो थी वो बहादुर मैं लोधी साहब के पास लगी, तो मैं जैसी स्टार्ट करने लगा कि सर ये है, तो सिर्फ एक सेंटर है, एक पिंडी का है, एक चकवाल का, जबकि उन्होंने पूरे डिवीजन पे लागू किया, उन्होंने कहा प्लीज़ क्या आप नहीं समझते कि मुझे कुछ पता नहीं, उन्होंने फौरी तौर पर बड़ा अच्छा ऑर्डर किया, और पंजाब बोर्ड बाकायदा उन्होंने डीबी में भी गए, इंटर कोर्ट अपील भी की, तो उस वक्त दूसरा जज था वकास रऊफ, वो भी मैं नहीं समझता कोई ऐसा जज है जिसे जज होना चाहिए, लेकिन बहरहाल तो उन्होंने भी उनकी अपील एक्सेप्ट नहीं की, वो बड़ा अच्छा ऑर्डर हो गया, दोबारा पेपर नहीं देने पड़े। तो वो इंशाल्लाह आजकल जो रोस्टर है
मैं अब इन जजों का नाम नहीं लूंगा, मेरी कोशिश है कि उस जज के पास ना लगे और उसके पास नहीं लगेगी। दो जजेस हैं सिविल या कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लिए, एक यंग जज है, तो मेरी पूरी कोशिश जहां भी जैसे किया जाता है उनके पास लगेगी। और एक्सटेंड हो जाए दूसरे जो दूसरे मैं क्या कहूँ, गर्दन में सरिया रखने वाले जज, नाम आपको पता है आजकल जो रोस्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन और सिविल मैटर कर रहे हैं उनके पास ना लगे, वो वैसे प्रो गवर्नमेंट हैं। और इंसाफ क्या रह गया है कोर्ट्स में कि एक जज के पास आप जीरो हैं दूसरे के पास हीरो, तो ये मैनेज करना पड़ता है। बाज़ का ऑब्जेक्शन में फाइल रखवानी पड़ती है, मेरी फाइलें पड़ी हुई ऑब्जेक्शन में, जैसे ही कोई ऐसा जज आया जो जज हूँ तो फिर मैं वो ऑब्जेक्शन रिमूव करके रिपोर्ट कर दूंगा। तो एनीवे थैंक यू वेरी मच सोना शर्मा।